ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूँ करूँ। फिर क्यों कर रहा है तू ये सब कुछ? मैं तेरा आशिक हूँ, जिसे इश्क करना चाहता हूँ। क्या कहा आपने? प्यार, इश्क, मोहब्बत, लव। संजय दत्त और श्रीदेवी की फिल्म गुमराह को रिलीज हुए 30 साल पूरे हो चुके हैं। 3 अगस्त 1993 को इस फिल्म के निर्माता यश जोहर थे तो डायरेक्शन महेश भट्ट ने किया था। वह मेन कास्ट में संजय दत्त और श्रीदेवी के अलावा अनुपम खेर, सोनी राजदान और राहुल राय भी काफी इंपोर्टेंट रोल में थे। बता दें कि एक्शन क्राइम ड्रामा पर आधारित इस फिल्म में संजय दत्त और श्रीदेवी को बहुत पसंद किया गया था और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औसत कमाई करने में सफल रही थी। लेकिन इस फिल्म की मेकिंग के दौरान संजय दत्त और श्रीदेवी के बीच एक दूसरे को लेकर काफी कड़वाहट थी। श्रीदेवी बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइनों में से एक थी। दर्शकों को सिर्फ उनकी खूबसूरती और दमदार एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनका डांस और मदहोश कर देने वाली अदाई भी बहुत पसंद थी। श्री ने अपने पूरे फिल्मी करियर में बॉलीवुड के लगभग सारे ही दिग्गज सितारों के साथ काम किया था और सभी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। बस श्री के कुछ ऐसे ही दीवाने संजय दत्त भी थे। लेकिन सालों पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिससे श्री संजय दत्त से हमेशा के लिए नाराज हो गई थी और उनके साथ काम करने से भी मना करने लगी थी। ये घटना 1982 की जब श्रीदेवी मतवाला के लिए शूट कर रही थी। उन्हीं दिनों संजय दत्त भी शराब और ड्रग्स के नशे में चूर रहते थे। इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि संजय दत्त को ड्रग्स की लत लग चुकी है। ऐसे में किसी ने जब ये बताया कि साउथ में धमाल मचाने के बाद श्रीदेवी अपनी पहली हिंदी फिल्म हिम्मतवाला की शूटिंग कर रही हैं, तो संजय दत्त बिना कुछ सोचे समझे नशे की हालत में ही श्रीदेवी से मिलने सेट पर पहुंच गए, जहां उन्हें बताया गया कि श्री मेकअप रूम में है, तो वे सीधे मेकअप रूम की तरफ जाने लगे। अब उनसे कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा और संजय दत्त मेकअप रूम का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। ऐसे में श्रीदेवी ने देखा कि कोई नशे में चूर है, तो वे घबरा गई और उन्होंने दरवाजा खोलने से मना कर दिया। लेकिन संजय दत्त भी नहीं माने और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, जिसके बाद श्रीदेवी काफी डर गई और दरवाजा खोल दिया। अब संजय दत्त अंदर आए और गुस्से में बहुत कुछ बोल गए। ऐसे में तमाशा देख रहे सेट से कई लोग भी वहां आ गए, जिन्होंने संजय दत्त को श्रीदेवी से अलग किया। बस फिर इस हादसे से श्रीदेवी इतनी सहम गई कि उन्होंने संजय दत्त के साथ फिल्म न करने की ठान ली। अब इस बाबत संजय दत्त भी यही बताते हैं कि वे दरवाजे तक तो गए थे लेकिन याद नहीं कि बाद में क्या हुआ। हालांकि संजय दत्त की सरकत के बाद श्रीदेवी उनसे बहुत चिढ़ गई थी, लेकिन समय का पहिया बदला और मजबूरी में श्रीदेवी को संजय दत्त के साथ फिल्म साइन करनी पड़ी। इस फिल्म का नाम था जमीन, लेकिन श्रीदेवी ने डायरेक्टर रमेश सीपी को साफ कह दिया कि संजय दत्त के साथ उन्हें फिल्म में एक भी सीन नहीं चाहिए, क्योंकि श्रीदेवी इस फिल्म में विनोद खन्ना के अपोजिट थी और संजय दत्त के अपोजिट माधुरी दीक्षित थी। लेकिन फिर कुछ वजहों से फिल्म पूरी नहीं हुई और ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसके बाद श्रीदेवी और संजय दत्त के पास साथ काम करने के मौके नहीं आए। दोनों को साथ में कई निर्माता साइन करना चाहते थे। गुमराह से पहले आई खुदा गुआ में संजय दत्त और श्रीदेवी को साथ में साइन भी कर लिया गया था। थोड़ी शूटिंग भी कर ली गई थी, लेकिन कुछ तो बिजी शेड्यूल के चलते और कुछ श्रीदेवी के चलते संजय दत्त को फिल्म से बाहर होना पड़ा, जिसके बाद रोल नागार्जुन की झोली में जा गिरा। ऐसे में संजय दत्त के साथ श्री का पहला एक्सपीरियंस इतना डरावना था कि वह उससे उभर ही नहीं पा रही थी। इसलिए वह संजय दत्त के साथ मिली हर फिल्म को रिजेक्ट करने का मौका ढूंढती रहती थी और महेश भट्ट की फिल्म गुमराह के दौरान भी यही हुआ था। बता दें कि गुमराह फिल्म में संजय दत्त को पहले ही साइन किया जा चुका था। महेश भट्ट ने इससे पहले संजय दत्त के साथ नाम, कब्जा और सड़क जैसी फिल्में बनाई थी, जिनमें कब्जा को छोड़ दे तो बाकी की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बेहद कामयाब रही थी। लेकिन महेश भट्ट ने जब गुमराह के लिए साइन किया तब संजय दत्त की सक्सेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा था। संजय दत्त को साइन करने के लिए निर्माताओं की लाइनें लगी थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ श्रीदेवी धीरे धीरे अपना चार्म खोती जा रही थी। लेकिन देखिए, फिर भी श्रीदेवी ने संजय दत्त को इस फिल्म से निकलवाने की कोशिश की। लेकिन जब कामयाबी नहीं मिली तो श्री के पास संजय दत्त के साथ काम करने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा। इसके अलावा यहाँ ये भी बता देगी, गुमराह फिल्म के सेट पर श्रीदेवी और संजय दत्त के बीच पूरी तरह से बातचीत बंद थी, लेकिन संजय दत्त श्रीदेवी के इस बर्ताव को नज़रअंदाज करते रहे और उस हादसे के असर को फिल्म पर हावी नहीं होने दिया। वैसे यहाँ जानकारी के लिए ये भी बता दें कि श्रीदेवी संजय दत्त के साथ इसके बाद 2019 में कलंक फिल्म में भी काम करने वाली थी, लेकिन उससे पहले 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की मौत हो गई, जिसके बाद फिर ये भूमिका माधुरी दीक्षित ने निभाई थी।
स्टारडम और इनसिक्योरिटी ये दो ऐसी चीजें हैं जो सफलता की सीढ़ियों पर अक्सर स्टार के साथ साथ चढ़ाई करती हैं। हालांकि कई बार ये स्टार को फायदा तो देती है, लेकिन इसकी वजह से बाकी लोगों का करियर खत्म होने की कगार पर पहुंच जाता है। इसलिए ऐसा ही एक किस्सा श्रीदेवी के स्टारडम से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि श्रीदेवी बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार थी। जैसा स्टारडम उन्होंने पाया वैसा शायद ही किसी और हीरोइन को नसीब हुआ हो। इसलिए उनके इसी कद के चलते निर्माता निर्देशक भी बिना कोई ना नुकर किए उनकी बात मानने को मजबूर हो जाते थे। बता दें कि श्रीदेवी के रुतबे और सुपरस्टार के स्टेटस में कोई कमी नहीं थी, लेकिन न जाने क्यों वे अपने को स्टार को मिलती ज़्यादा फुटेज से परेशान हो जाती थी। किसी फिल्म में उन्हें लगता कि कोई स्टार उनकी परफॉर्मेंस पर भारी पड़ रहा है तो वे उसके रोल को कटवा देती थी। इसलिए श्रीदेवी के इस ईगो का शिकार हुई थी रीमा लागू, जो गुमराह फिल्म में श्रीदेवी की माँ का रोल निभा रही थी। यहाँ ये भी बता देगी श्रीदेवी और रीमा की उम्र में महज 5 सालों का अंतर था, यानी रीमा श्री से केवल 5 साल बड़ी थी। लेकिन पिछली कुछ फिल्मों के चलते रीमा लागू की पहचान एक माँ के किरदार में ही हो गई थी। अब इस बात का खुलासा करते हुए कोरियोग्राफर सरोज खान बताती हैं कि बावजूद इसके श्रीदेवी ने रीमा के रोल को कटवा दिया, क्योंकि श्रीदेवी ने एडिटिंग के दौरान जब फिल्म देखी तो उन्हें लगा कि रीमा की परफॉर्मेंस के आगे उनका किरदार थोड़ा फीका है। तो इसके बाद वे फिल्म के निर्माता यश जौहर और डायरेक्टर महेश भट्ट से रीमा लागू के रोल को कम कराने की जिद करने लगी। हालांकि यश जौहर चाहते थे कि रीमा का रोल न काटा जाए, लेकिन फिर भी उन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा, जिसके बाद यश जौहर को इस बात का बेहद मलाल भी था। उन्हें अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि रीमा लागू के साथ उन्होंने गलत किया है। इसलिए हर्जाना चुकाने के लिए यश जौहर ने रीमा लागू से वादा किया कि वे अब जो भी फिल्म बनाएंगे उसमें माँ के किरदार के लिए रीमा को ही लेंगे। हालांकि कुछ हद तक यश जौहर ने अपना वादा निभाया भी, और डुप्लीकेट व कभी खुशी कभी गम को छोड़कर अपने निर्माण में बनी कुछ कुछ होता है और कल होना हो में माँ का रोल रीमा लागू से ही कराया। खबरों की माने तो गुमराह फिल्म में पहले राहुल राय को मेन हीरो वाला रोल निभाने का ऑफर दिया गया था और संजय दत्त को केवल स्पेशल अपीयरेंस ही निभाना था, लेकिन फिर बाद में डायरेक्टर महेश भट्ट ने संजय दत्त के रोल को बढ़ा दिया और राहुल राय के कई इंपॉर्टेंट सीन काटते हुए उन्हें क्रेडिट भी फ्रेंडली अपीयरेंस के तहत दिया। बता देगी महेश भट्ट ने राहुल राय के कई बेहतरीन सीन फिल्माए थे, यहाँ तक कि मॉरीशस में भी ये जिंदगी का सफर जैसा एक गीत उन पर व श्रीदेवी पर फिल्माया था, लेकिन फाइनल एडिटिंग में महेश भट्ट ने ये सब कुछ काट दिया। वैसे यहाँ ये भी बता दे कि फिल्म में एक सीन ऐसा भी था जिसे लेकर राहुल बहुत परेशान थे। बात दरअसल यूँ थी कि ओरिजिनल स्क्रिप्ट में ना होते हुए भी महेश भट्ट एक सीन फिल्माना चाहते थे जिसमें श्रीदेवी राहुल राय को थप्पड़ मारती हैं, लेकिन राहुल राय इसे करने को तैयार नहीं थे क्योंकि वे तब दूसरी फिल्मों में लीड रोल निभा रहे थे। इसलिए ये सीन उनके करियर और दूसरी फिल्मों पर असर डाल सकता था, लेकिन महेश भट्ट की वजह से ही राहुल राय की फिल्मों में एंट्री हुई थी और उन्हें 1990 में आशिकी फिल्म में बतौर लीड हीरो बड़ा ब्रेक दिया था। और फिर वैसे भी तब राहुल राय इतने बड़े स्टार नहीं थे, इसलिए उन्हें महेश भट्ट के सामने झुकना पड़ा। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, राहुल ने फाइनल एडिटिंग के बाद जब फिल्म देखी तो उनके सभी इंपॉर्टेंट सीन काट दिए गए, लेकिन थप्पड़ वाला सीन एज इट इज बरकरार रखा गया। इसलिए राहुल राय को ये फिल्म करने का काफ़ी पछतावा हुआ, क्योंकि ये फिल्म करने से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उन्हें लगा कि महेश भट्ट ने उनके साथ एक तरह से धोखा किया है। वैसे यहाँ ये भी बता देगी राहुल राय वाला रोल पहले चंकी पांडे और संजय दत्त वाला दीपक मल्होत्रा निभाने वाले थे, लेकिन चंकी पांडे ने जहाँ कुछ वजहों से फिल्म छोड़ दी, वहीं दीपक को लंबे फिल्म फ्लॉप होने के बाद बाहर होना पड़ा। गुमराह फिल्म की शूटिंग के बाद मॉरीशस में एक सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी जब वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर ने राहुल राय का नाम जब एक क्रिमिनल रियाजत से जोड़ दिया था और दोनों की एक फोटोग्राफ भी छाप दी थी। अब ये बात निर्माता यश जौहर को तब पता चली जब रोमो सीपी और राज सीपी मॉरीशस में लोकेशन तलाशने गए थे, जिसके बाद यश जौहर ने मामले की तह तक जाने का फैसला किया और पुलिस द्वारा बताई रियाजत की मॉरीशस में आने की डेट भी मैच की, जो कि उनकी डेट से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। इसलिए फाइनली यश जौहर ने कहा कि किसी भी अभिनेता के साथ कोई भी फोटो खिंचवाता है तो वह उसके बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं होता, इसलिए केवल फोटोग्राफ के आधार पर ही किसी को क्रिमिनल नहीं माना जा सकता। ओरिजिनली गुमराह फिल्म 1989 में एक ऑस्ट्रेलियन मिनी सीरीज बैंकॉक हिल्टन का रीमेक थी और इसी स्टोरी पर आधारित अब नूरानी फिल्म कॉरपोरेशन भी फिल्म बना रहा था। फिल्म का डायरेक्शन दीपक आनंद कर रहे थे और मेन कास्ट में ऋषि कपूर व करिश्मा कपूर के साथ दिव्या कुमार को कास्ट किया गया था, लेकिन जब निर्माता शकील नूरानी को पता चला कि महेश भट्ट द्वारा भी इसी स्टोरी पर बेस्ड गुमराह फिल्म बनाई जा रही है
तो उन्होंने अपनी फिल्म को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वैसे देखा जाए तो गुमराह फिल्म बैंको हिल्टन का रीमेक तो थी ही, साथ ही इसके कई सीन भी बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड फिल्मों से कॉपी किए गए थे, जिसमें अंडरग्राउंड वाला एक सीन जहां 1990 में एक अमेरिकन फिल्म लवाइन हार्ट से कॉपीड था, वहीं संजय दत्त का क्लाइमैक्स में हांगकांग पुलिस से बचकर भागने वाला सीन तो खुद महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी नाम फिल्म से इंस्पायर्ड था, जिसमें संजय दत्त कुछ इसी तरह पुलिस से भागते नजर आए थे। इसके अलावा यह भी दावा किया जाता कि गुमराह फिल्म बॉलीवुड की एक हीरोइन गीता खन्ना की लाइफ से भी इंस्पायर्ड थी, जिन्हें 1980 में लंदन में अरेस्ट किया गया था और कुछ टाइम जेल में भी बिताना पड़ा था। ऐसे में गीता ने एक बार महेश भट्ट को भी अपनी कहानी सुनाई थी, लेकिन महेश ने बिना उनकी परमिशन के फिल्म बना ली थी। वैसे गीता को लंदन में क्यों अरेस्ट किया गया तो इस पर उन्होंने बताया कि एक निर्माता ने उन्हें एक फिल्म में साइन किया था और लंदन जाते टाइम उनके बैग में ड्रग्स रख दिया था। वैसे गीता ने दावा तो यहाँ तक किया था कि बाद में उस निर्माता को गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उसने अपना क्राइम भी स्वीकार कर लिया था। गुमराह फिल्म के एक सीन में संजय दत्त को जब हांगकांग जेल में कैद करके रखा जाता है तो वे एक डायलॉग मारते हैं कि बॉम्बे की जेल इससे बेहतर है। अब खबरों की माने तो संजय दत्त तब इतने बिजी थे कि निर्माताओं को देने के लिए उनके पास डेट्स नहीं थी, इसलिए संजय दत्त के साथ अपनी फिल्म पूरी करने के लिए कई निर्माताओं ने मॉरीशस में ही डेरा डाल लिया था। संजय दत्त तब गुमराह के अलावा अतिश, आंदोलन और महानता समेत कई फिल्मों की शूटिंग साथ साथ कर रहे थे, और संजय दत्त ही नहीं बल्कि ये मानिए कि उस टाइम आधा बॉलीवुड मॉरीशस पहुंच गया था। सभी एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन तभी अप्रैल महीने में बॉलीवुड को जो झटके लगे उससे पूरी इंडस्ट्री शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि पहले तो प्यारी हीरोइन दिव्या भारती की मौत ने पूरे बॉलीवुड को हिला दिया और फिर बाद में मॉरीशस से लौटते ही संजय दत्त को भी बॉम्बे पुलिस ने बॉम्बे बम ब्लास्ट केस में एयरपोर्ट से अरेस्ट कर जेल में डाल दिया था। इसलिए कहीं ना कहीं गुमराह फिल्म में संजय दत्त का बोला डायलॉग सच साबित हो गया था। एक मिनट, अरे अपने बॉम्बे का जेल बैठे रहे। 80 के दशक में बतौर डांसर शुरुआत करने वाले महेश आनंद बाद में गुर्गे के रोल में काफी फेमस हो गए थे। महेश भट्ट की फिल्मों में भी उन्होंने इसी तरह के रोल निभाए थे, लेकिन गुमराह में महेश को ऐसा नहीं करना था, उन्हें केवल एक फाइट सीन को कोरियोग्राफ करना था। लेकिन जिस दिन सीन फिल्माया जाना था उस दिन कोई फाइटर न आने से खुद महेश को ये सीन करना पड़ा था। आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने खुलासा करते हुए बताया कि गुमराह उनकी पसंदीदा फिल्मों में से एक है, क्योंकि इस फिल्म में रोल निभाकर उन्हें काफ़ी सराहना मिली थी। श्रीदेवी के साथ काम करके भी उन्हें बहुत अच्छा लगा था, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें ये नहीं पता लगा कि वे प्रेग्नेंट हैं, जबकि फिल्म में उनके ऐसे सीन थे जिसमें उन्हें सिगरेट पीनी थी और प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करना डॉक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताते। खैर यहाँ ये भी बता देगी सोनी राजदान ने लंबे अफेयर के बाद डायरेक्टर महेश भट्ट से 20 अप्रैल 1986 में शादी की थी, लेकिन प्रेग्नेंट हुई थी वे 6 सालों बाद जाकर गुमराह फिल्म की शूटिंग के दौरान, और जब गुमराह फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी उससे करीबन 5 महीने पहले आलिया भट्ट भी पैदा हो गई थी। बस इसीलिए गुमराह फिल्म को कहीं ना कहीं सोनी राजदान अपने दिल के काफ़ी करीब मानती हैं। गुमराह फिल्म में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखने का काम किया था आनंद बख्शी ने, जिनके लिए 6 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। दुनिया किस्मत खुदा दुश्मन हो जाए तो क्या, जब से मैं जरा सा बदनाम हो गया। अब गुमराह फिल्म की ज्यादा ऑडियो कैसेट तो नहीं बिकी, लेकिन इतना जरूर है कि रूप कुमार राठौड़ का गाया मैं तेरा आशिक हूँ, दुनिया किस्मत और खुदा, व अलका याग्निक का गाया तेरे प्यार को सलाम और सनम फिल्म के सबसे पसंदीदा गीत हैं। अब गुमराह फिल्म से जुड़े कुछ लोग श्रीदेवी में कमियां निकाले और साथ ही उन्हें कोसे भी, लेकिन एक बात ये भी सच है कि 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद श्रीदेवी ने घंटों तक पानी में रहकर शूटिंग की थी। वैसे श्रीदेवी के बुखार का महेश भट्ट को पहले ही पता चल गया था, इसलिए वे शूटिंग को कैंसिल भी करना चाहते थे, लेकिन श्रीदेवी नहीं मानी और शूटिंग करने पर अट गई। इसलिए यहाँ ये भी बता देगी श्रीदेवी की फिल्म में बेहतरीन परफॉर्मेंस को ही देखते हुए 39वें फिल्म फेयर में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था, जो कि गुमराह फिल्म को मिला एकमात्र नॉमिनेशन भी था। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त ऐसे हीरो थे जिनकी फिल्मों के टाइटल सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होते रहे हैं।
यहाँ तक कि खुद संजय दत्त की फिल्मों के टाइटल भी एज इट इज नजर आएंगे, जिनमें जमीन आसमान के बाद आई गुमराह इट इज टाइटल वाली दूसरी फिल्म थी। बता दें कि सुनील दत्त की गुमराह टाइटल से 1963 में फिल्म रिलीज हुई थी। इसके अलावा नहले पे दला भी ऐसा टाइटल है जिससे सुनील दत्त और संजय दत्त दोनों की फिल्में रिलीज हुई हैं। वैसे यहाँ ये भी बता देगी साल 1991 में जब गुमराह फिल्म की घोषणा हुई थी तब इसका टाइटल सीमा रखा गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मुंबई से भागकर आ गया। मैं रोशनी से प्यार करता हूँ, उसी के लिए भागकर आया हूँ मैं यहाँ। फाइनली गुमराह फिल्म शुरुआत में स्लो फील कराती है लेकिन जल्दी ही तेज रफ्तार पकड़ लेती है, जिसके बाद दर्शक ये जानने को उत्सुक रहते हैं कि अगले सीन में क्या होगा। यहाँ बता देगी गुमराह फिल्म में महेश भट्ट का डायरेक्शन अच्छा था, सिनेमेटोग्राफर प्रवीण भट्ट और कैमरामैन समेत एडिटर संजय संकला का काम भी अच्छा था, और फिर संजय दत्त और श्रीदेवी की केमिस्ट्री तो थी ही लाजवाब। दर्शक दोनों को पहली बार साथ देखकर खुश थे। इसके अलावा नाइजीरिया में तो गुमराह फिल्म को लेकर अलग ही क्रेज देखने को मिल रहा था और लोग थिएटर में फिल्म के कलाकारों और डायलॉग की नकल उतारने लगे थे। सो गुमराह फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ है।